सबसे पहले बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर की। सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद में सुंदर भाटी 20 साल बाद जेल से रिहा हुआ है। सपा नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी, जिसके बाद भी वो सोनभद्र जेल से रिहा हुआ। इसके बाद में सुंदर भाटी वाराणसी से दिल्ली पहुंचा और गैंगस्टर सुंदर भाटी की रिहाई के बाद में वेस्ट यूपी में एक बार फिर से गैंगवार बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वांचल में भी अपने आपराधिक कनेक्शन के कारण ये हमेशा चर्चा में बना रहा है और सुंदर भाटी की लॉरेंस विश्नोई से भी कनेक्शन की बात सामने आई थी। अतीक अहमद मर्डर केस में सुंदर और साथी विश्नोई का भी नाम सामने आया था, क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल एक शूटर हमीरपुर जेल में भाटी के साथ में रहा था। इसे लेकर ये अफवाहें फैली हैं कि विदेशी जिगाना पिस्टल इसी के जरिए आरोपियों तक पहुंची थी और सुंदर भाटी की रिहाई पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। सोनभद्र के जिला कारागार के बाहर मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिला कारागार है सोनभद्र का। ये यहीं पे कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी को रखा गया था। लगभग 4.5 वर्ष की सज़ा इसी जेल में सुंदर भाटी ने काटा है और 60 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 11 लोगों को सज़ा हुई थी, जिसमें कि सुंदर भाटी भी एक था और जिसको यहां पे बंद किया गया था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उसको रिहा कर दिया गया है। सुंदर भाटी रिहा होने के बाद दिल्ली पहुँच गया है। वहीं मैं आपको बता दूँ, अतीक और अशरफ के हत्याकांड में भी उसके नाम सामने आए हैं और जबकि लॉरेंस बिश्नोई गोल से भी उसके ताल्लुक जानकारों के मुताबिक सुनने को मिल रहे हैं। सुंदर भाटी को अभी हाईकोर्ट से जमानत मिली है, तो पुलिस को इस पर विचार करना है कि इस जमानत के विरुद्ध याचिका दाखिल करके जमानत निरस्त कराए। यह भी बताया जाता है कि हरेंद्र नागर और उनके गनर की हत्या में सुंदर भाटी को आजीवन कारावास हुआ था और इस हत्याकांड में मृतक हरेंद्र नागर के भाई प्रमुख गवाह थे। इसके अतिरिक्त अजीत हत्याकांड लखनऊ, इसमें जिगाना पिस्टल जो बरामद हुई थी, अतीक और अशरफ हत्याकांड में भी जिगाना पिस्टल बरामद हुई थी, उसका स्रोत सुंदर भाटी बताया जाता है। इन तमाम विषयों के ऊपर और इसके ऊपर भी कि अगर कोई शातिर अपराधी जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा जघन्य अपराध हों, जमानत पे छूट के आना जनहित में है अथवा नहीं, तो इसके आधार पर पुलिस को चाहिए कि तत्काल जमानत निरस्त कराने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। आतंक का पर्याय बन चुके सुंदर भाटी का सबसे पहले नाम आया था जब उसने नरेश भाटी की गोलियों से बरसाकर हत्या कर दी गई थी। कहा यह भी जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सुंदर भाटी के ही गैंग ने AK-47 का यूज किया था। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद से भी सुंदर भाटी का बेहद पुराना नाता है। फिलहाल की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम फिलहाल खड़े हैं NH-9 पर, जो पहले NH-24 हुआ करता था, और इसके जस्ट बगल में यहां पर ये बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां से सुंदर भाटी और उसके गुर्गे जितनी भी इस्पात कंपनियां हैं जो सरिया बनाती थी, यहां से सरिया चोरी का काम किया करते थे। ट्रकों से जैसे ही सरिया यहां से निकलता था, उसके गुर्गे सेटिंग के द्वारा उन ड्राइवरों को सेट किया करते थे और उसके बाद आगे पड़ने वाले इलाके बागू में जाकर वो सरिया चोरी कर लिया जाता था, जिसके बाद उस सरिये को एक मोटी कीमत पे बेचा भी जाता था। इसके लिए सुंदर भाटी अपने गुर्गों को एक मोटी रकम भी दिया करता था।